आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, कृष्ण की साक्षात द्वारिका नगरी को देख रहे हो। सुंदर सा बीच है, सूर्यदेव का आसमान में है और मैं इसी धरती से आपको कृष्ण की नगरी के दर्शन करवाऊंगा। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टार्टिंग में कर दीजिए। तो देखो भाई, मैंने जो आपको रूम में से जो भगवान स्वामीनारायण का मंदिर बताया था, वो स्वामीनारायण मंदिर इस्कॉन टेम्पल जो है ये यहीं पे है। इसका भी हम लोग रात में विजिट करेंगे। तो ये रहा ये वाला, थोड़ा सा बाहर से आपको दर्शन करा देते हैं, ले ले जाओ। इसका दर्शन भी करते हैं बाद में। चलो मैप हमने चालू कर दिया है, ये हमारा मैप, 6 मिनट, 3 किलोमीटर का रास्ता। अरे मां, द्वारका जी, हाय हाय हाय, चांदला की द्वारका। मतलब काफ़ी लोग जा चुके हैं, आधी लोग जाने वाले हैं। संडे इवनिंग के 10 टाइम वारीनाथ अखाड़ा तरफ रबारी शांतनी मछी सीधा बता रहा है, यहाँ से सीधा ही जाना है। सीधू द्वारकाधीश बराबर सेंटर में, मतलब ये कह सकते हैं कि एकदम समुद्र के नज़दीक में विराज है भगवान। और माता का जो मंदिर है वो करीबन मंदिर से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे, मतलब ये कह सकते हैं कि द्वारका स्टार्ट होती है वहाँ पे मुख्य द्वार पे है। और इसके पीछे की बहुत एक लंबी सी कहानी है, थोड़ा सा वो आगे आपको जाके माता जी के मंदिर जाके ही बताते हैं, साथ साथ में आपको कहानी भी सुनाएंगे। और ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, ये पुण्यशाली आत्मा ही होती है। द्वारका आओ, महाशक्ति महाशक्ति बोलो। बोलो रुक्मिणी माता की जय, द्वारकानाथ भगवान की जय। अभी क्यों यस्ती, अभी क्यों, एक मिनट का जानकारी है, बिल्कुल शांति से सुन लेना, बातें नहीं करना। भगवान चार घोड़े के रथ में रुक्मिणी माँ को लेने के लिए अमरावती महाराष्ट्र गए, वहां से रुक्मिणी माँ का हरण किया। हरण करने के बाद दोनों द्वारिका में आए, द्वारिका में दोनों का विवाह हुआ। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों का द्वारिका में विवाह हुआ। विवाह हो जाने के बाद अपने कुल के गुरु दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव का नाम है पिंडारा, पिंड तारक क्षेत्र, वहाँ भोजन का निमंत्रण देने के लिए गए। तो गुरु महाराज बोले कि मैं भोजन करने के लिए अवश्य तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आप दोनों स्वयं लक्ष्मी और नारायण अपने हाथों से रथ को खींचो और मुझे द्वारिका ले चलो, तो मैं भोजन करने के लिए तैयार हूँ। उसी समय दोनों ने हाँ बोल दिया।
बीच रास्ता तय हो गया। रुक्मणी माँ को पानी की प्यास लगी। भगवान मेरा गला सूखता है, आप मुझे पानी पिला दो। अब मेरे से रथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। उसी समय भगवान ने रथ को रोक दिया। अपनी योग शक्ति की मदद से अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया और भूमि में से माँ गंगा मैया का प्रागट्य किया। बोलिए गंगे मैया की जय। भगवान ने पानी पिया, माता जी ने पानी पिया, दोनों ने पानी पिया, मगर एक बात की भूल हो गई। पीछे जो महामुनि बैठे थे रथ में, दुर्वासा ऋषि, उनको पूछना भूल गई। दुर्वासा ऋषि क्रोधी ऋषि क्रोध के आवेश में आ गए तो श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया कि आप दोनों का, लक्ष्मी और नारायण का, 12 साल का वियोग हो जाएगा। इसी वजह से भगवान का मंदिर वहाँ गाँव में, माता जी का मंदिर यहाँ जंगल में। दूसरा श्राप ये दिया कि आपकी सोने की नगरी द्वारिका में सब चीज मिलेगा, मगर पीने का एक बूंद भी मीठा पानी। श्राप की वजह से आज की तारीख में भी पूरे 8 किलोमीटर के एरिया में आप कुछ भी करो, कुआ करो, बोरिंग करो, हैंडपंप बिठाओ, एक बूंद भी मीठा पानी मिलता है। यहाँ आने वाले यात्री को 2 कार्य करते हैं, प्रेम से माँ का दर्शन करना, शांति से दर्शन करने के बाद नीचे पानी पीना जरूरी है, मेन प्रसाद पानी का, फिर एक परिक्रमा करके आपको आगे जाने का। दूसरा कार्य पानी का है, वो आपके लिए नहीं है, आपके घर में, परिवार में, कुटुम्ब में जो भी गुजर गया, कोई छोटा बड़ा, युवा दूध, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, सास ससुर, जो भी गुजर गए, उनके पीछे जल का पानी का दान होता है। यहाँ तो पानी मिलता नहीं है, ये पानी बाहर से 20 किलोमीटर दूर से टैंकर के माध्यम से पानी आता है। वो पानी का 4 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा गौ माता के लिए, दूसरा हिस्सा पशु और पंछी के लिए, तीसरा हिस्सा आने वाले यात्रियों के लिए, 24 घंटा अखंड पियाव चालू है, और चौथा आखिरी हिस्सा माता जी की सेवा पूजा में ये पानी का यूज होता है। किसी यात्री भक्त की इच्छा है, या नवरात्र का आखिरी दिन है, परसों एकादशी का बड़ा दिन है, हमारे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, ये प्याव में एक टैंकर सेवा देना है, एक टैंकर का 2500 रुपए लगता है, वो शक्ति नहीं है। कोई आधा टैंकर पानी का दान करे, उनका 1250 रुपए लगता है, 50 घड़े का 550, कोई छोटा आदमी आए, हमारी इतनी शक्ति नहीं है। कोई आखिरी का 11 घड़ा पानी का दान करे, उनका 100 रुपए लगता है। आपकी इच्छा है, शक्ति है, मन माने तो अंदर काउंटर के ऊपर भेंट करना, इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है तो हाथ जोड़ना, कोई बात फर्जित नहीं है। मोबाइल कैमरा बंद रखना, दर्शन करना, पानी पीना, और रुक्मणी माँ का पत्र किसी को चाहिए रोज शाम को 7 बजे के बाद पढ़ो, जो भी कैंसर है वो दूर हो जाएगा। बोलो रुक्मणी। माता रुक्मणी के टेंपल के दर्शन करवा दिए, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से भड़केश्वर महादेव की तरफ। पूरा रास्ता एंजॉय करिए और मेरे साथ आप भी दर्शन करिए। इवनिंग के करीबन 6 बजने आए और ये देखो चौपाटी का माहौल भड़केश्वर महादेव का। अगर आपको भी जिंदगी में द्वारका आने का मौका मिले, एक बार भड़केश्वर महादेव जरूर आइएगा। यहाँ का सनसेट देखना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो मेरे सामने देख रहे हो ये शिवलिंग, ये भड़केश्वर महादेव का है। और जब बारिश के मॉनसून के टाइम में यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा, अलग ही माहौल होता है। चलिए एंजॉय करते हैं, पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद में मैं आपको दरिया देव का दर्शन कराता हूँ एंड बाकी का खूबसूरत सी क्लिप जो हम लेंगे, शूट करेंगे, वो भी दिखाएंगे। पहले थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। Thank you.
यहाँ से सामने पानी को देखना और ये पूरे समुद्र को देखना एक अलग ही ब्यूटीफुल और मन में एक अलग सी हलचल बसती है जब आप दरिया के सामने समुद्र के सामने जब बैठते हो वहाँ पे जाते हो एक अलग सुकून मिलता है। तो प्लीज जरूर आइएगा यहाँ पे। शो तो बिना मजे के आप बेचते लड़ने मेरा हम बेच रहे हैं बड़े काले जैसे बेच रहे हैं काले बिरी 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 काले बिरी जो पहला पहला भी इतने नजीक थी देखा है जन मावो मावो चढ़े देखो ले आ बस कर भाई कितना मावो फाइनली सनसेट सनसेट बहुत बढ़िया देखा रिकॉर्ड भी किया और बहुत मजा आ गया। आज एक अलग ही सुकून मिला। लोग उसी लिए बोलते हैं ना कि भाई दरिया किनारे चलो समुद्र किनारे चलो। आज समझ में आया कि हकीकत में लोग क्यों चाहते हैं इतनी सुकून इतनी शांति। सामने से दरिया की लहरें आ रही है जा रही है देखो एक घंटा दो घंटा पूरा सनसेट हमने डेढ़ दो घंटा यहीं बिताया बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करा है। अब जा रहे हैं हमारी होटल की तरफ और फिर आपको आगे के द्वारका के नाइट के दर्शन भी तो करवाने हैं तो पूरा द्वारका दिखाएंगे। ये व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा तो हर एपिसोड मिस मत करिएगा ज़रूर देखिएगा। શું કરો છો જવાબ તો આપો શું કરો છો તો આપણે શું કરવા આવ્યા અહીંયા ફરવા માટે હા તો પછી તું નહીં આવતી હું તો રેડી જ છું હું તો રેડી જ છું એ તો ખાલી એ તો કેમેરા આમે રેડી કેમેરા આમ આમ કેમેરો આમ ફેરવતો હું તો રેડી છું રેડી માણસો ના દેખાડે કોઈ દિવસ चलो 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 रेडी चलो क्या ले जासो पहला इनको फरो द्वारका दिस ना दर्शन करया एक पॉइंट बिजु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गोपी तलाव पछी आई नाया दया बड़गेश्वर महादेव नहीं रुक्मणी माता मंदिर हाँ सॉरी सॉरी पछी बड़गेश्वर महादेव सनसेट पॉइंट भगवान कृष्ण का तो पहले राजा धीराज ठाकुर जी के सुबह मंगला आरती के 4 बजे चले जाएंगे वहां पे पहले मस्त दर्शन आरती में दर्शन करेंगे श्रृंगार करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे बेट द्वारका वाया दरिया ऐसे ऐसे करते वाया दरिया एंड उसके बाद वहां पे दर्शन करेंगे
वापिस आएंगे, फिर अगर मन हुआ तो शिवराजपुर बीच जाएंगे, नहीं तो फिर ये द्वारकाधीश के ये भीम कुआ अर्जुन कुआ है तो बाकी चले आ। पांच पांडव ना कुआ ने यस ये पर नजीक है आ सुदामा पुल के बाजू में लो गोमती नो पानी एक गोमती घाट पर पानी आई गयो से। लेट्स गो चलो मैं आपको दिखाता हूं।